नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस साउंड बार के बारे में। ये है जेब्रोनिक्स की 3650 प्रो साउंड बार, बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले सबसे पहले देखते हैं बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों बॉक्स पर जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग दी हुई है 2.2 साउंड बार। इसमें मतलब 2 आपको स्पीकर मिलेंगे और 2 आपको सबवूफर मिलेंगे। जैब युग बार 3650 प्रो इसका साउंड बार का नंबर है। इस तरफ बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो 100 वाट का इसमें साउंड आउटपुट है। इसके अलावा 32 GB का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है ये। नेट वेट इसका 3.5 किलो के आसपास है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपका मल्टी कनेक्टिविटी ऑप्शन, तो आपका ब्लूटूथ वर्जन 5.0, HDMI, ARC, ऑप्टिकल इन, USB ऑक्स, तो कनेक्टिविटी के आपको काफ़ी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्ट इन डुअल 7.62 cm सबवूफर, तो 2 इसमें सबवूफर दिए गए हैं और 2 इसमें स्पीकर दिए गए हैं। वॉल माउंटेबल, आप इसे वॉल में माउंट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टैंड मिल जाता है। LED डिस्प्ले है, अगर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको ऑक्स चलाना है, आपको ब्लूटूथ चलाना है, उसके लिए डुअल पावरफुल ड्राइवर्स और यहाँ पर वही ब्रांडिंग। इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी यही चीज़ें हैं। इस तरफ बात करते हैं तो ये साउंड बार कुछ इस टाइप की आपको दिखेगी। ऊपर 2 वूफर लगे हुए हैं सब वूफर्स और 2 स्पीकर आपको मिल जाएंगे इसमें। इंपोर्टेड बाय जेब्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चाइना से ही इसको इन्होंने इंपोर्ट किया है। MRP इसका 11,999 है और मैंने दोस्तों इसको लिया है 4200 रुपये में। 4200 में मुझे ये सेल में मिल गया था अमेजोन की, तो वहाँ से मैंने इसे परचेज किया है। वारंटी के लिए आपको जेब्रोनिक्स की वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा। कंप्लेंट के लिए आपको यहाँ पर कस्टमर केयर और ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है आपको। अब इसमें मिलता क्या क्या, एक साउंड बार आपको मिलेगी, इसमें एक रिमोट मिलेगा आपको, इनपुट केबल मिलेगी, वॉल माउंट का ब्रैकेट मिलेगा, फास्टनर मिलेंगे और आपको QR कोड गाइड मिल जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों अब कर लेते हैं इसे अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले इसको तो दोस्तों कुछ इस तरह के साउंड बार है ये। वैसे इसके ऊपर एक पन्नी लगी आएगी आपको ऊपर की तरफ, उसको आप हटाना चाहें, वैसे उसको हटाना मत, क्योंकि इसको हटाने से ना यहाँ पर स्क्रैचेस हल्के हल्के, क्योंकि ये शाइनी सा है थोड़ा सा, तो यहाँ स्क्रैचेस पड़ रहे हैं इस पर, ये हमारे वाले पे पड़े हुए हैं इसलिए। तो दोस्तों ये 2 सबवूफर दिए हुए हैं यहाँ पर और एक आपको यहाँ वूफर के लिए जगह भी दी हुई है, इन दोनों सबवूफर्स के लिए। उसके अलावा सारे पोर्ट आपको पीछे की तरफ मिल जाएंगे, ये हम आपको भी बताएंगे। तो दोस्तों ये है साउंड बार जो कि आपको मिलती है। इतनी बड़ी साउंड बार देखने में अच्छी खासी बड़ी है और वेट भी इसका अच्छा खासा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे रिमोट आपको मिल जाएगा, 2 बैटरी मिल जाएंगी, ये OX2 RAC केबल मिल जाएगी, 4 आपको इसमें पेच मिल जाएंगी, साथ में गिट्टी मिलती है, वो गिट्टी हमने फिक्स कर ली दीवार में, तो इसलिए भी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और ये आपको स्टैंड मिलेगा, आप इसको स्टैंड में को फिक्स कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं साउंड बार की, तो साउंड बार को आपको कुछ अच्छी दिखती है। लेफ्ट साइड में आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है, कुछ भी कुछ ना कोई बटन दिया हुआ है। आगे से आपको ये इस तरह की मिलेगी, 2 ऊपर आपको सबवूफर्स मिल जाएंगे, ये दोनों सबवूफर्स हैं। थोड़ा बहुत इसमें ठीक ठाक बेस इसमें ये प्रोड्यूस करते हैं। और जो मैं बात कर रहा था स्क्रैचेस की, तो इस तरह के कुछ स्क्रैचेस हालांकि बच्चों ने मार दिए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो उसके ऊपर पन्नी होगी उसको मत हटाना, यहाँ से बेशक हल्का हल्का हटा देना, काट के हटा देना, बाकी हटाना मत इसको। राइट साइड में देखते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बटन मिल जाएंगे ऑन ऑफ करने के लिए, और ये सिलेक्ट करने के लिए कि आपको ब्लूटूथ से चलाना है या ऑक्स से चलाना है, ये वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। बैक साइड में आते हैं, इसके पोर्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको USB मिल जाता है, साथ में आपको ऑक्स केबल के लिए मिल जाएगा ऑप्शन, ऑप्टिकल केबल के लिए मिल जाएगा, HDMI ARC के लिए आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये आपका वूफर के लिए थोड़ा सा अलग जगह दी हुई है, वूफर इसका छोटा है। ये केबल आपको मिलती है इसमें जो कि लगभग 1.5 मीटर के आसपास की केबल है। 32 GB तक का USB ये सपोर्ट करता है, तो जो भी आप पेन ड्राइव लेते हैं तो उसको 32 GB से ऊपर ना लें। नीचे
आपको वही ये रबड़ पैड दिए हुए हैं ताकि इसको आप रखें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ये फिसले ना, तो उसके लिए रबड़ पैड दिए हुए हैं। दोस्तों लुक्स वाइज तो ये बहुत अच्छी लगती है, गजब की लगती है देखने में। ये आपके घर में रखी रहेगी तो अच्छी भी लगेगी, टीवी के नीचे लगाओगे तो भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है आपको। ऊपर इसमें दो सबवूफर मिलते हैं, साथ में इसमें नीचे दो स्पीकर मिलते हैं, एक स्पीकर आपको यहाँ मिलेगा एक यहाँ मिलेगा, तो दो स्पीकर और दो आपके सबवूफर्स, तो टोटल जो उसका साउंड है वो है 100 वाट का, दोनों का मिला के आपको 100 वाट का ये साउंड प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिमोट की, तो यहाँ ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, या म्यूट के लिए, या पेयर करने के लिए, या इनपुट आप सेलेक्ट करेंगे, आपको ब्लूटूथ चलाना है, ऑक्स चलाना है, आपको वॉल्यूम अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड आप यहाँ से कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं यहाँ से। ये म्यूज़िक के लिए, न्यूज़, ये आपको इक्वलाइजर दिए हुए हैं, म्यूज़िक, न्यूज़, मूवी, 3D, ट्रैवल को आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, बेस को भी आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ ब्रांडिंग दी हुई है जबरन की, बैटरी हमने इसमें इंस्टॉल कर ली है। अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम इनपुट को दबाएंगे, अलग अलग आप यहाँ पर HDMI, ऑक्स, ब्लूटूथ, ये सारे मोड आप अलग अलग यहाँ से देख पाएंगे। अब दोस्तों ब्लूटूथ का मोड लगा लेते हैं। दोस्तों अच्छा खासा साउंड प्रोड्यूस करता है ये। तो दोस्तों अच्छा खासा साउंड है इसके अंदर, आपको रूम को अच्छा खासा साउंड मिलेगा, इससे कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। और दोस्तों इतने प्राइस में, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने 4200 में इसको परचेज किया है, तो 4200 में तो आपको ये, तो 4200 में तो दोस्तों आपको ये बहुत बढ़िया, आपको मज़ा आने वाला है इसमें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो इस साउंड बार को लेकर, हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, और आपको अगर लगता है कि जो वीडियो है वो हेल्पफुल है तो उसको आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।